my friend, this is Rusaraz and we're watching Russell Takedown. और जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। जी हाँ दोस्तों, रसल मेनिया हो चुकी है नाइट वन और काफ़ी ज़बरदस्त मैचेस यहाँ पे रहे हैं और हमारे न्यू चैंपियंस बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिना देर करे शुरू करते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। और शो की शुरुआत होती है अमेरिकन नेशनल एंथम के साथ, फिर द मीट द होस्ट वहाँ पे आते हैं अपने दोस्त की टूर्स के साथ, और फिर ऑस्टिन थ्योरी यंगेस्ट यहाँ से चैम्पियन हमें देखने को मिले। किक ऑफ मैच में यहाँ पे रेसलमेनिया को किक ऑफ किया है ऑस्टिन थ्योरी, और जॉन सीना की तगड़ी वाली वहाँ पे इंट्रेंस रही। वहाँ विस नो विस WWE के जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करती है, द विस उसके बच्चे थे वहाँ पे, और उसके बाद जॉन सीना ने वहाँ पे एंट्री मारी और फिर काफ़ी बच्चे खुश रहे। और फिर वहाँ मैच स्टार्ट होते ही वहाँ पे एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी। वहाँ पे जॉन सीना ने कुछ दमदार शॉट्स देखने को मिले, STF जैसे FU लगाने की कोशिश थे, लेकिन वहाँ पे जो है गलती से जो है उनका पैर जो ऑस्टिन थ्योरी का था वो रेफरी को लग जाता है, जिसके कारण रेफरी वहाँ से नीचे गिर जाते हैं, उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी जो है पार की। आज यहाँ पे जो है जॉन सीना को लो ब्लो लगाते हुए उसका पूरा फ़ायदा उठाया रेफरी के नीचे गिरने का जो है ऑस्टिन थ्योरी ने, और इस मैच में जीत हासिल कर ली अपना। ए टाउन डाउन लगा के अपना शॉर्ट्स जो है फिनिशिंग मूव लगाते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप को। अब आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी का WWE में काफ़ी बड़ी विक्ट्री है। अब नेक्स्ट मैच की आगे बढ़ते हैं, फैटल फोर वे टैग टीम मैच शोकेस रेसलमेनिया शोकेस, ब्रॉन स्ट्रोमन रिकोसिट वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस अल्फा एकेडमी वर्सेस द वाइकिंग राइडर्स टैग टीम शोकेस। बस इतना ही था इस मैच में। मैच में हर सुपरस्टार ने एथलीज़म को और ताकत को बखूबी यहाँ पे दर्शाया इस मैच में। केबल ने स्ट्रॉमेन को जर्मन सुप्लेक्स देके जबरदस्त रहा, वो शानदार रोल दिया वहाँ पे, और उसके बाद ईवन ने मूनफ्लॉक्स का प्रयास किया, स्ट्रॉमेन ने टॉप रॉप से बड़ी छलांग की कोशिश की, पूरे क्षेत्र रेसलमेनिया एरिना था काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पे माहौल सा बन गया था। फिर उसके बाद स्ट्रॉमेन अपने स्ट्रॉमेन एक्सप्रेस के साथ स्पॉट हमें बाहर दुश्मनों के माध्यम से अपने विरोधियों को जो है स्ट्रीमोल किया। हालांकि स्ट्रॉमेन ने जो है उनकी ट्रेन की पटरी उतार दिया वहाँ पे डॉकिंस की टक्कर, उसके बाद रिको सिंह रिंग से बाहर आया, स्प्रिंग पॉट शूटिंग अपना स्टार प्रेस लगाया, उसके बाद जो है रिकोसिट ने रिंग के एक दूसरे शूटिंग स्टार प्रेस उतरे, लेकिन डॉकिंग्स ने अपने घुटने टेक दिए और फिर डॉकिंग्स ने रिकोसिट को फॉर्ड के लिए रिकोसिट को पीठ पर अपने एक फोर्स स्लैप्स मारने के लिए रखा। डॉकिंग्स के बाद जीत हासिल की और रिकोसिट अप किया, उसके बाद जो है डॉकिंस जो है रिकोसिट को जो है अपना छलांग मारा था रिकोसिट ने, लेकिन उसके बाद जो है उसके उलट वार किया वहाँ पे जो है हमारे जो इस तरह जो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपना बखूबी यहाँ पे रोल निभाया और ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की इस ग्रैंड स्टेज ऑफ द ऑल टाइम रेसलमेनिया में। कि यादगार मैच रहा ये, और मैं इस मैच को ग्रेड ए देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा मैच ये टेक्निकल। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक ज़बरदस्त और मैच, लोगन पॉल की एंट्री काफ़ी ज़बरदस्त रही, और शॉन माइकल्स की याद दिला दी वहाँ पे लोगन पॉल की एंट्रेंस ने, और फिर जो है उनका प्राइम ड्रिंक उनके साथ था वहाँ पे मौजूद, फिर सेथ रॉलिंस के अतरंगी कपड़े जो हैं काफ़ी जोश रहे हैं, वो गुलाबी और रेड कलर की जो काफ़ी अच्छा लगा था, फनी जैसा वो उनका जो ड्रेस था, और काफ़ी जोश मैच रहा है सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल का, एक यादगार मैच जो है उसका। फिर पॉल ने अपना मुक्का चलाने की कोशिश की, लेकिन सेथ रॉलिंस ने वहाँ पे किक आउट किया उस पर, और जो लोगन पॉल की जो है
मैच की जो शैली है लड़ने की काफ़ी ज़बरदस्त रही है, प्रभावित किया यहाँ पे पूरे रात जो सैटरडे नाइट जो आज थी, काफ़ी ज़बरदस्त मैच ये रहा। बॉल इन सॉफ्ट बॉल दोनों ही एथलेटिज्म काफ़ी अच्छे रहे, उनका जो है स्विंग बोर्ड अटैक काफ़ी अच्छा रहा था, वो अपने पूरे शरीर को इस्तेमाल करते हैं इस मैच में। और एक मोड़ ऐसा था जब सिथ रॉलिंस पे अटैक करने की कोशिश की थी रिंग के बाहर, जो हैं उनके जो ड्रिंक हैं ड्रिंक में उनके दोस्त मौजूद थे वहाँ पे, वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा वहाँ पर, रॉलिंस और अचानक रूप से प्रभावित किया था यहाँ पे सभी को। फिर जो है रैमलिंग से जब निकलते हैं बाहर वहाँ पे टेबल पे लेटा देते हैं सिथ रॉलिंस को, लेकिन जो है सिथ रॉलिंस उलट उनका जो प्राइम ड्रिंक मेंबर थे उनको वहाँ पे लेटा दिया। उसके बाद फिर जो है सिथ रॉलिंस पे अटैक करने की कोशिश की थी लॉगिन पॉल ने, फिर सुपर किक लगाया वहाँ पे सिथ रॉलिंस ने, फिर उसके बाद फिर अपना स्टॉर्म बम लगा के इस मैच में जीत हासिल कर ली सिथ फ्रिकिंस रॉलिंस इज द विक्ट्री फॉर टुनाइट। द नेक्स्ट मैच वर्से फॉर द फादर वर्सेस सन का मैच देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, रे मिस्टीरियो वर्से डोमिनिक मिस्टीरियो का जो मैच रहा ये काफ़ी अच्छा मोमेंट बनाया है इस मैच ने। रे मिस्टीरियो अपने जो हैं एडी गेरेरो के म्यूजिक से एंट्री करते हैं उनके कार के साथ, वो काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा वहाँ पे मैच के शुरुआत में। उसके बाद फिर जो है दोनों बाप बेटे एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो, दोनों ही डोमिनिक मिस्टीरियो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे डोमिनिक में, लेकिन वहाँ पे अच्छा सबक सिखाते हैं उनके फादर हैं, उनकी बहन और माता जी दोनों ही रिंग साइड पे थी वहाँ पे, और बार बार वहाँ पे जो है एडी गेरेरो के मूव को करने की कोशिश कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो, और फिर अपनी माँ के साथ बहस करने लगते हैं, लेकिन उनकी माँ ने एक थप्पड़ जड़ दिया वहीं पे उनके। फिर मिस्टीरियो वहाँ पे आते हैं, उन्हें रिंग की ओर घसीट के ले जाते हैं, लेकिन जो है जजमेंट डे के मेंबर जी हाँ दोस्तों फिन बैलर और जो है द पनिशर ऑफ द जजमेंट डे दोनों वहाँ पे आ जाते हैं, फिर 619 लगाने की कोशिश करते हैं रे मिस्टीरियो, और फिर जो है फ्रॉक स्लैप की तैयारी करते हैं, लेकिन जो डायमंड प्रीस्ट है उनका पैर को पकड़ लेते हैं, और उसी बीच जो है LWO जी हाँ दोस्तों न्यू जो LWO हैं न्यू टीम जो गठित की है रे मिस्टीरियो ने यहाँ पे, उन्होंने आके आज अपना लाज रखा। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो 619 लगाते हैं रे मिस्टीरियो को और फिर फ्रॉक स्लैप देते हैं, लेकिन यहाँ की काउट करते हैं रे मिस्टीरियो द लेजेंड और सभी कोई हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जो है डोमिनिक मिस्टीरियो एक चेन की से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बैट बनी वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने चैन को छीन ली, और उसके बाद जो है रे मिस्टीरियो ने विशेष वार किया और डोमिनिक मिस्टीरियो पे 619 लगाते हैं और फिर फ्रॉक स्लैप वहाँ लगाते हुए इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंट रहा वहाँ पे। रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी, LWO टीम रे मिस्टीरियो को उठाए हुए थे और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे दर्शक भी इस मैच में, और ज़बरदस्त विक्ट्री रही यहाँ पे। हो सके तो ये लास्ट मैच होगा रे मिस्टीरियो का, आगे देखते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का आगे क्या होता है, और पूरी टीम वहाँ पे पूरी फैमिली रे मिस्टीरियो की वाइफ। द नेक्स्ट मैच विल बी वुमेन डिवीजन मैच टॉप टीम बेकी लिंच लीटा एंड स्टेटस वर्सेस डैमेज कंट्रोल के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला। ये मैच जितना हाइप था उस हिसाब से मैच तो नहीं किया, काफ़ी मतलब ओवररेटेड नहीं रहा यह मैच, एक ग्रेट सी टाइप मैच ये कहा जाएगा। इस मैच में जो है परफॉर्मेंस सभी सुपरस्टार जो है फेमस स्टार अच्छे थे, लेकिन उस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा था। तो स्टेटस जो है बहुत दिन और लीटा भी बहुत दिन से रिंग्स में नहीं काम किए हैं, उसका ये साफ साफ झलक नज़र आ रहा था। बेली की टीम ने अच्छी कोशिश की वहाँ पे, लेकिन जो है लीटा बेकी लिंच ने इस मैच में संभाला है, और सभी सुपरस्टार
मतलब मिलजुल के टीम स्प्रिट का मैच हमें दिख रहा था इस बार मैच को जो है। क्रिस्टन ने भी अच्छी कोशिश की, उतने दिनों के बाद जब विंग में वापस आते हैं तो कुछ तो गलतियां होती है इस मैच में, और वो साफ नज़र आ रहा था। लेकिन बगैर ये लेजेंड हैं दोनों, और तो कहा जाए कि अच्छा ही मैच रहा, वो दोस्त नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक मैच रहा था। उसके बाद बेकी लिंच जो है ना फिनिशिंग मूव लगाती हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, और मैच में जो है रोमांचक पल काफ़ी अच्छे अच्छे रहे, जो है फ्लाइंग मूव्स हमें देखने को मिले हैं, डैमेज कंट्रोल और बेकी लिंच और लीटा दोनों की तरफ से। और फिर आगे जो मैचेस तो थी, अब जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को अच्छी हाइप में ले जा रही थी, लेकिन जो है अंडररेटेड ग्रिटसी मैच ये रहा। इस मैच के प्रिडिक्शन से पहले से ही आ रहे थे कि बेकी लिंच की टीम जीतेगी यहाँ पे, और हो सके तो कल की जो नाइट टू में बेकी लिंच चैलेंज कर सकती हैं जो शोकेस होने वाला है मैच में। आगे देखते हैं क्या होता, कल मिलते हैं क्या होता इस मैच में। नेक्स्ट हमें द मीज और स्नूप डॉग वहाँ पे रिंग पे फिर आए अटेंडेंस बताने के लिए, जो 80,400 कुछ लोग वहाँ पे अटेंडेंस थी रसलमेनिया की नाइट वन की। उसके बाद जो है मीच लॉसम कहा, उसके बाद जो है काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे फैंस को शॉक मिला दिया है दोस्तों। पैट मैकफी आ गए वहाँ पे, ज़बरदस्त उनका हाइप रहता है पहले से ही, माइकल कोल काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उसके बाद जो है मैट कैफी ने मिच को मैच के लिए चैलेंज किया, लेकिन मिच वहाँ पे मान नहीं रहते। लेकिन फिर वहाँ पे जो है स्नूप डॉग जो है उन्होंने कहा कि ये काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा फैंस के लिए, इतने सारे जो फैंस यहाँ पे आए हैं वो देखना चाहेंगे इस मैच को। उसके बाद फिर जो है ये मैच ऑफिशियल होता है, मैट कैफी और पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जो मीज हैं वो नीचे उतर जाते हैं रिंग से और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस एक सैन फ्रांसिस्को 49 ईयर्स स्टार जॉर्ज कार्टिंग रिंग साइड पे मौजूद थे, जिस जो मीज ने उनको धक्का दिया, इससे गुस्से में आके वो रिंग साइड से ऊपर आ गए और मीज को अटैक किया। और उसके बाद मैट कैफी ने फिर जो है उछल के रिंग साइड के बाहर आके मिच को अटैक किया। उसके बाद फिर रिंग पे ले गए और फिर जो फाइनल फिनिशिंग मूव लगाते हैं अपना पंच हिट करने की, और उसके बाद मैच में जीत हासिल कर लेते हैं मैट मैकफी। और ये मैच अंडररेटेड बी ग्रेट मैच। आगे की जो मैच है काफ़ी ज़बरदस्त रही, जी हाँ दोस्तों, रिया रिपली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर द स्मैकडाउन चैंपियनशिप। मेरी तरफ से ये ग्रेट ए प्लस का मैच ये रहा है, जिसे काफ़ी दिनों तक याद रखने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस। जबरदस्त मैच, वन ऑफ द बेस्ट वुमेन डिवीजन मैच इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड दिस ईयर द बेस्ट मैच ऑफ वुमेन डिवीजन। स्मैकडाउन में चैंपियंस जो है सॉलिड फ्लेयर अपने आप में माहिर, वो मैच की शुरुआत होती है फ्लेयर पल पल मैच का जबरदस्त था, एक से एक शॉट, एक से एक जबरदस्त एक दूसरे पे प्रहार किया है। यहाँ पे रिया रिपली और शार्लेट फ्लेयर दोनों ने एक दूसरे मतलब कहीं भी झुकने का मौका नहीं दे रहे थे, जो है फ्लाइंग मूव्स, फिर जो है एथलेटिज्म काफ़ी जबरदस्त रहा है मैच का, हाइफ जबरदस्त किक आउट हो रहे थे मैच में, सभी फिनिशिंग मूव लग चुके थे, सबको को लग रहा था शार्लेट फ्लेयर जीतेंगी यहाँ पे। उसके बाद लग रहा था कि रिया रिपली जीतेंगी, दोनों की काउट पे की काउट हो रहे थे मैच में, इतना जो है सबमिशन मूव लगाया जा रहा था दोनों ही की तरफ से, लेकिन रिया रिपली जो है एक फिनिशिंग मूव लगाती हैं अपना एक जो है। उसके बाद जो है शार्लेट फ्लेयर स्पियर लगाती हैं, रिया फिर से की काउट करती हैं, उसके बाद जो है रिया रिपली फिर से अपना फिनिशिंग मूव लगाती हैं टॉप रोप के ऊपर से, और ज़बरदस्त तरीके से पिनफॉल होती है। 1 2 3 न्यू वुमेन्स स्मैकडाउन चैंपियंस ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड
जी हाँ दोस्तों, वी आर ई पी ए द कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू स्मैकडाउन चैंपियन, काफी अच्छा मैच। Next match for the WWE Undisputed Tag Team Championship like a match. The Usos versus Kevin Owens and Sami Zayn. ये जो build-up है match की ना, you know the best build-up. Sami Zayn, top of the world. भले ही Roman Reigns victory रहे, लेकिन क्या performance दिया था उस Sami Zayn और Kevin Owens ने? I don't believe that. और वही आज हुई, आज साबित हुई। Roman Reigns जो इतने दिन से God mode पे थे, बोलते हैं वो God mode में है, लेकिन वो God mode उनसे चला जाएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। आज जो है Bloodline की खात्मा कर दिया यहाँ पे। यहाँ दोस्तों the Bloodline will be finished tonight. क्या जो इस मैच रही, ये मैच unbelievable. दोनों जिमी उसो जे उसो दोनों टूट पड़ रहे थे केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन पे, लेकिन दोनों ही ने जबरदस्त किक आउट किया इस मैच में। और सेमी ज़ेन ने एक मौका ऐसा था जब केविन ओवेंस पे दोनों उसोस टूट पड़े थे, एक साथ फ्रॉग स्लैप लगाया अपना फिनिश मूव, लेकिन वहाँ पे किक आउट किया। उसके बाद जो है केविन ओवेंस ने पलटवार करते हुए अपना मूव लगाते हैं, उसके बाद जो है सेमी ज़ेन अपना फिनिशिंग मूव लगाते हैं मैच में जे उसो के ऊपर, और इस तरह लगाते हैं केविन ओवेंस जिमी उसो के ऊपर, और पिन फॉल होती है इस मैच में 1, 2 एंड 3, और सभी के आंखों से आंसू। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट द WWE न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्स Tag Team Champions, Kevin Owens and Sami Zayn. Now thanks for watching and subscribe to my channel, Russell TikTok.